ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी तक तीन राशियों के बारे में तो हमने जान लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2018 क्या कुछ खास लाया है कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं, शनि का आपकी राशि पर सन 2018 में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो शनि सन 2018 में आपकी राशि से छठवें भाव में स्थित होगा, सिक्स हाउस में। छठे भाव यानी सिक्स हाउस का जो शनि है, आपको हर प्रकार के कार्य में सुख प्रदान करेगा। इट विल बी मच बेटर फॉर यू। हमारे जो बिजनेसमैन वाले जो दर्शक हैं, दे कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। शत्रु पक्ष निर्बल रहेगा। धन आवागमन के नए नए स्थान खुलेंगे, नए नए स्रोत खुलेंगे। ऋण से मुक्ति की पूरी पूरी, कर्ज से मुक्ति की पूरी पूरी संभावना है सन 2018 में। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, तरक्की मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, अधिकार मिल सकते हैं, उन्नति मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। कुछ विवाद जो कि कानूनी हो, उनका भी सामना करना पड़ सकता है, सो बी केयरफुल। लंबी दूरी की यात्रा के योग है, भाई बहनों का ख्याल रखिए। इस दौरान फैमिली मैटर्स में आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। परिवारजनों के साथ में किसी मुद्दे पर मतभेद संभव है, जीवन साथी के साथ भी मतभेद संभव है। बच्चों को थोड़ा हेल्थ सेक्टर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो स्टूडेंट दर्शक हैं, पढ़ाई में थोड़ी रुकावट, थोड़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ना भूलें सन 2018 में, और विशेष तौर पे किसी भी प्रकार के अनैतिक अथवा गैर कानूनी मामलों में नहीं पड़े, अन्यथा जेल जाने की, जेल यात्रा की नौबत आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी पुनः जन्म ले सकती है, इसलिए सेहत का जरूरी तौर पर ध्यान रखिए। विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय क्या करें शनि को प्रसन्न करने के लिए, तो पक्षियों को 7 तरह के अनाज और दालें खिलाइएगा, शनि की शुभता बनी रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सन 2018 में शनि की शुभता कैसी रहेगी। शनि 2018 में आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में पंचम भाव में स्थित होगा। पंचम भाव का जो शनि है, आपको एवरेज फल देने वाला रहेगा। जीवन में कन्या संतान का प्रवेश खुशियां लेकर आ सकता है। हमारे जो विद्यार्थी वर्ग के जो दर्शक हैं, उनको पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कंपटीशन में दे कैन गेट द सक्सेस, सफलता मिल सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में, सट्टे में पैसा लगाने के इच्छुक हैं, तो सन 2018 में शेयर मार्केट में लाभ की संभावना बन रही है। हमारे जो बिजनेसमैन जो दर्शक हैं, सोच समझकर लेन देन करना है 2018 में, अदरवाइज धन हानि की भी संभावना बन सकती है। शनि के गोचर के इंपैक्ट से हमारे जो नौकरी पेशा वाले जो दर्शक हैं, उनके जॉब में परिवर्तन हो सकता है। शनि की जो पोजीशन है, आपकी मैरिड लाइफ को भी इंपैक्ट करेगी। अविवाहित जो दर्शक हैं, उनके लिए विवाह के योग बन सकते हैं, सुयोग्य जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। हाँ, छोटे मोटे झगड़ों और विवादों की वजह से पारिवारिक रिश्ते जो हैं थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिहाज से 2018 इज वेरी गुड। वक्त के साथ में इमोशंस और भी गहरी होती जाएंगी। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इनकम में बढ़ोतरी होगी। वर्किंग प्लेस पर मान सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। एक फिक्स इनकम होने के बावजूद आपको फाइनेंशियल मैटर्स पे कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धन का खर्च सोच समझ कर कीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके लिए बेहतर रहेगा,
बैंक अथवा संस्था से लिया हुआ लोन इस वर्ष आने वाले वर्ष 2018 में चुकता हो सकता है। और यदि आप नौकरी बदलने का मानस रखते हैं, मन रखते हैं, तो बदल सकते हैं। उपाय जान लेते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन लगाइएगा, शनि की शुभता बनी रहेगी। आज की जो अंतिम राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शनि की शुभता सन 2018 में कैसी रहेगी आइए जानते हैं। शनि आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होगा। चतुर्थ भाव का शनि आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। जो किसी बीमारी से पीड़ित दर्शक है, बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। हमारे जो बिजनेसमैन वाले जो दर्शक हैं, व्यापार में सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ होने की पूरी पूरी संभावना है, वृद्धि होने की संभावना है धन में। पिता के सेहत का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा वाले जो हमारे दर्शक हैं, पद में वृद्धि, प्रमोशन, इनकम सोर्सेस बढ़ सकते हैं, प्रशासनिक लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और संकल्प कीजिएगा कि पति पत्नी एक दूसरे से झूठ ना बोले, अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है। इस साल निवास स्थान बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। शनि के गोचर के दौरान ऐसे किसी काम में शामिल ना हो जिससे मन की घर की शांति भंग हो। अप्रैल में शनिदेव वक्री होकर आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर जाएंगे और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। कार्यों में सफलता तथा नौकरी में स्थानांतर का योग बनेगा। सितंबर में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे जो भाई बंधुओं से विरोध और परिवार से अनबन भी करा सकते हैं। यात्रा में कष्ट की संभावना रहेगी। सेहत पर ध्यान दें। स्वस्थ शरीर के लिए योग का सहारा ले। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जोड़िए। उपाय, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा। पूरे वर्ष सन 2018 के दौरान शनि की शुभता आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को साल 2018 का राशिफल बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय। श्री तो अगर आप भी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। फिर मिलेंगे और जानेंगे आगे की राशि यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।